तो हेलो मेरा फैमिली, कैसे हो? तो यार कल मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि स्टैंड बाय मी 2 फ्लॉप हो चुकी है जापान में। तो यार अब उसके नीचे तो भाई कमेंट सेक्शन तो हमारा खुला ही हुआ था, तो यार भाई सब लोग ने भाई कमेंट्स ही भर दिया कि जाओ उसे रेट करो। चलो वो कमेंट्स तो ठीक थे यार, और उसके बाद भाई कुछ लोग ये भी लिख रहे थे कि भाई अच्छा ही है यार, फ्लॉप हो गई तो क्या हो गया, उसके बाद उसके राइट्स सस्ते हो जाएंगे और डिज्नी अपनी जेब ढीली कर लेगा भाई स्टैंड बाय मी 2 के राइट्स खरीदने में, और तेजी में भाई 2021 में ही स्टैंड बाय मी 2 होगी हमारे पास। तो यार आज इसी बारे में वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या सही में मतलब डिज्नी राइट्स खरीद लेगा स्टैंड बाय मी 2 के और 2021 में हमें दिखा भी देगा। तो यार ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी और काफ़ी डाउट क्लियरेबल होगी, इसे एंड तक ज़रूर देखना। तो चलो यार जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यार अब मैं आज बताऊंगा कि यार आपको कि सही में यार स्टैंड बाय मी 2 फ्लॉप होने से क्या उसके राइट्स सस्ते हो जाएंगे, और हो जाएंगे तो यार क्या सही में डिज्नी इसे खरीद लेगा। तो यार वीडियो जरूर से एंड तक देखना। तो यार अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि यार ये जापान में जो मूवी फ्लॉप हो चुकी है क्या वो अच्छा हुआ है फ्लॉप होके, मतलब यार हमारे लिए भले ही वो इंडिया में नहीं हुई है फ्लॉप, लेकिन यार जापान में भी फ्लॉप हुई है। तो यार अब लोग कमेंट में कह रहे हैं भाई जापान में हुई तो क्या हम इंडिया में थोड़ी ना फ्लॉप होने देंगे। तो यार अब आपको मैं एक बात बताता हूँ। तो यार देखो जापान में भी ये मूवी फ्लॉप हो चुकी है, ठीक है? तो यार अब मतलब फ्लॉप नहीं हुई है यार अभी इतने से, मतलब अब लोग लिख रहे थे कि इतनी जल्दी तुम कैसे फ्लॉप बता सकते हो। यार मैंने सिर्फ रेटिंग के अकॉर्डिंग ही बताया था यार कि इतनी रेटिंग कभी भी किसी मूवी की नहीं गई थी, ठीक है? तो यार अब इस मूवी की रेटिंग चली गई है, तो यार इसको काफ़ी कम लोगों ने रेट किया है। तो यार अब बोल रहे थे भाई, अब मैं एक और बात बता देता हूँ। तो यार मैंने आपको उस वीडियो में ये भी बताया था कि मैंने काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ के वॉच करे थे कि लोगों को स्टैंड बाय मी 2 कैसी लगी, मतलब जिन्होंने देख लिया, जैसे मेट्रो स्टेशन पे जापान में, गाइस जापान में जैसे मेट्रो ट्रेन स्टेशन वगैरह वगैरह पे जो भी इंटरव्यूअर होते हैं वो जाके उनसे पूछते हैं, तो यार उनका रिव्यू काफ़ी बैड था, ये मैंने आपको बताया था। तो मतलब लोगों को कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही, ऐसा नहीं है सबने बेकार बताया, कुछ लोगों ने उसे बताया भाई हाँ भाई अच्छी थी यार, ऐसी कोई बात नहीं है, वी आर डोरेमोन फैंस। तो यार अब इंडिया वाले लोग भाई ये कह रहे हैं कि अब राइट सस्ते हो जाएंगे, तो यार पहली बात तो यार कि नोबिता न्यू डायनासोर के भी राइट्स सस्ते तो अभी तक नहीं हुए हैं। तो यार अब देखो स्टैंड बाय मी 2 के राइट्स सस्ते भी नहीं होंगे, क्योंकि यार 80 करोड़, ठीक है 80 करोड़ रुपये इंडियन रुपीज़ में उसने कमाया है। तो यार ये बात नहीं है, अगर मूवी रेटिंग्स में कम जा रही है तो यार ज़रूरी नहीं है वो अर्निंग्स में भी कम जाए, अब ये बात कैसे पॉसिबल है? तो यार सुनो, तो देखो जैसे यार अब आपने कभी भी स्टैंड बाय मी 2 मूवी नहीं देखी है, ठीक है? अब आपको रिलीज़ ही हो रही है, वो पहली बार ही आपको वो देखनी है, तो अब आपके थिएटर्स में लग रही है, तो आप भाई कहोगे पहली बार ही तो देखने जा रहा हूँ, तो यार आप जाओगे देखने, आप तो देखोगे ना, आपने तो पैसे दे दिए, वो पैसे चले गए, अब वो मूवी में ही गिना जाएगा। तो यार मूवी अर्न तो कर रही है, ठीक है? और ऐसा भी नहीं है सबको ही बुरी लगेगी, भाई अच्छी तो लगेगी, तो यार वो रिव्यू आगे जाएगा कि अपने फ्रेंड्स को बताएगा भाई ये मूवी तो अच्छी थी यार तू भी देख, ठीक है? तो फिर वो बंदा भी जाएगा कि हाँ भाई ठीक है देख के आता हूँ। तो यार ऐसे करते करते अर्निंग तो ऊपर चली ही जाएगी यार, मतलब अभी भी मूवी फ्लॉप नहीं हुई है और वो भी मतलब अभी भी एड्स वगैरह रन करके उसे ब्लॉकबस्टर बना सकते हैं। तो यार इसलिए मैं कहता हूँ, मतलब मेरा फाइनल ये है कि ऐसा कुछ नहीं होगा कि गाइज आप जो सोच रहे हो राइट सस्ते हो जाएंगे, तो यार मतलब हर चीज़ अर्निंग्स पे नहीं देखी जाती यार, कुछ चीज़ें ये भी देखी जाती हैं कि जो डिज्नी इंडिया वाले हैं वो ये देखेंगे कि पुरानी मूवीज़ को भी लाना है, बस इधर नई मूवीज़ ला देंगे तो कॉन्सेप्ट बहुत वो हो जाएगा, तो यार वो पीछे से चलते हुए आ रहे हैं डायरेक्ट वो 2020 में जंप कर लेंगे तो बहुत अजीब सा लगेगा। तो यार इसलिए भी उनका ध्यान सबसे ज़्यादा काची कोची पे ही होगा। तो यार इसलिए मैंने आपको बता दिया कि वो डायरेक्ट 2020 में तो जंप नहीं करेंगे, इसलिए यार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि भाई राइट सस्ते हो जाएंगे और डिज्नी खरीद के स्टैंड बाय मी 2 हमें दिखा देगा। तो यार ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है यार, बिल्कुल ही, क्योंकि यार अभी मूवी तो और ही ज़्यादा अर्न करने वाली है, मतलब अभी तो और जाएगी और उसकी अपडेट्स मैं आपको यहाँ देता ही रहूँगा। तो यार चैनल पर नए हैं तो ज़रूर उसे सब्सक्राइब कर लेना। तो यार कुल मिला के मैंने आपको बता दिया कि राइट सस्ते नहीं होंगे और ना ही डिज्नी इंडिया इसे बाकी मूवीज़ से पहले लाएगी। तो यार प्लीज़ आप रेटिंग मत गिराओ यार, क्योंकि कमेंट में अब ये भी लोग लिख रहे भाई 10 out of 1 दे दो और जब इंडिया में आएगी तब हम इसे रेट कर देंगे, भाई प्लीज़ ऐसा मत करो यार, प्लीज़ ज़रूर से जाके IMDb पे उसे 10 out of 10 रेटिंग दे दो यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, ठीक है? तो आपको कुछ नहीं करना होता भाई, IMDb साइट खोलनी है, उस पर अपनी ID बना लेनी है, कोई बड़ा काम नहीं भाई, नंबर डालो, ईमेल ID डालो, कुछ भी डालो, फटाफट से ID बन जाएगी, ठीक है? और उसके बाद भाई मूवी खोल लो स्टैंड बाय मी 2 और वहाँ पे आएगा रेट का ऑप्शन, यू में लिखा होगा और उसके बाद स्टार्स पे दबा दो और वहाँ आएगा 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग आएगी, 10 पे दबा दो, कंफर्म कर दो भाई रेटिंग चली जाएगी, ठीक है? तो यार प्लीज़ रेटिंग दे दो यार 10 out of 10।
तो यार आज की वीडियो में यही था, तो मैंने सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं यार। कमेंट्स में बता देना और कोई डाउट्स है कि नहीं, तो यार कमेंट्स में ज़रूर से भर भर के बता देना। तो यार वीडियो पे 100 लाइक का एम है, कंप्लीट करा देना। तो यार आज की वीडियो में यही था, तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, सी यू सून गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।